हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं सिंप्लीफाइड स्टूडियोज़ की तरफ से आने वाली ग्रा स्क्रिप्ट को। ये है एक ब्रांड न्यू ग्रा स्क्रिप्ट जो हमें मिलती है हमारे क्यूबिक और फ्रेमवर्क के लिए, एंड ये है बिल्कुल फ्री स्क्रिप्ट। सो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में है इसका गिटहब का लिंक, एंड आपको इस पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको इस स्क्रिप्ट को सिंपली डाउनलोड कर लेना है। एंड ये वाली जो स्क्रिप्ट है ये बहुत अच्छी है, मतलब इसका यूज़र इंटरफेस बड़ा प्यारा बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने खुद टेस्ट करी थी एंड इसलिए मैंने अभी सोचा कि इस पे वीडियो बनाई जाए। सो जैसे ये डाउनलोड हो जाए आप इसको ओपन कर लो, ये कुछ ऐसे ओपन होएगी, एंड यहाँ से आपको क्या करना है, आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने क्यूबिकोर सर्वर में, जो कि है ये हमारा सर्वर, एंड इसके बाद आप आ जाओ क्यूबी वाले फोल्डर में, एंड इधर ही आप इसको पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको बस इसको रीनेम करना है कुछ ऐसे, एंड मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो इसका नेम है वो भी चेंज कर दो, एस एस गैराज से आप इसको कर दो क्यूबी गैराजेस, बिकॉज कल को क्या होगा कि कोई और स्क्रिप्ट है जो डिपेंडेंसी मांगती है हमारी क्यूबी गैराजेस की, तो वो सर्च करते हैं फोल्डर नेम, अब वो फोल्डर नेम ही उसको ना मिले तो वो स्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसका जो नेम है वो चेंज कर दो, इसके अलावा इसमें कोई और इशू नहीं आएगा। इसके अंदर जितने भी ट्रिगर्स हैं वो एस एस गैराज वाले ही आपको मिलते हैं। सो ये हमने इसको चेंज कर दिया एस एस गैराज में, बिकॉज अभी जो हमारी ओरिजिनल गैराजेस वाली स्क्रिप्ट है हमें उसको डिलीट करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ क्यूबी गैराजेस को, जो कि हमें मिलेगी कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद आप ये जो पुरानी गैराज वाली स्क्रिप्ट है इसको डिलीट कर लो। उसके बाद हमने जो ये स्क्रिप्ट का नाम चेंज किया था, अब आप इसको कर सकते हो क्यूबिक गैराजेस, एंड आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हो। इसके अंदर वही हमें जो गैराज की स्क्रिप्ट मिलती है वैसी की वैसी है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर आप क्या क्या चेंजेस भी कर सकते हो। सो अगर आपको रियलिस्टिक गैराज यूज़ कर रहे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, टेलीपोर्ट वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आपकी गाड़ी एक गैराज में एंड आपको इसको दूसरे गैराज में भेजना था वो भी कर सकते हो, वरना आप इसको फॉल्स भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाते हैं का फ्यूल सिस्टम, जो अभी बाय डिफॉल्ट लेगेसी फ्यूल पे सेट है, बट आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी चेंज कर सकते हो। एंड उसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारे पब्लिक गैराज आ जाते हैं, यहाँ पे आपकी कौन सी कैटेगरी यूज होती है वो सब आ जाता है, एंड वो सब आपको यहीं पे मिलता है, एंड ये बहुत ईजी है कन्फिगर करनी। सो यहाँ पे ये कुछ ऐसे मिलती है, एंड आप इसमें चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके अलावा आपको इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना, अगर आपके पास क्यूबी फोन है ये स्क्रिप्ट आपके लिए बहुत बढ़िया से वर्क करेगी जैसे इन्होंने कहा है। उसके अलावा अगर आपको कुछ और चीज़ें चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोज़। सो फोटो क्या है, यहाँ पे जो गैराज इसकी स्क्रिप्ट है इसके यूज़र इंटरफेस के टॉप पे एक पिक्चर हमें मिलती है, सो उस पिक्चर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, एंड ये वो पिक्चर्स जो दी गई हैं आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूज़ करते हो रिन्यूड फ़ोन तो उसके लिए आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जो आपको यहाँ पर मिलते हैं नीचे, बट मैं यूज़ नहीं करता तो मैं ये चेंज नहीं करूँगा। एंड इसके अलावा हमारा जो सारा काम है वो हो चुका है। सो अब हमें क्या करना है, हमें हमारे सर्वर को बंद करना है अगर वो स्टार्ट है, एंड अब आपको स्टार्ट करना है अपने सर्वर को कुछ यहाँ से। एंड यहाँ पे आप याद रखना कि आपको स्क्रिप्ट को भी इंश्योर नहीं करना है, बिकॉज हमने इसको फोल्डर के अंदर ही रख दिया एंड फोल्डर अपने आप इंश्योर हो जाएगा, बट एक बात याद रखना कि आप इसको क्यूबी कोर के बाद ही इंश्योर करो, मतलब जो हमारा क्यूबी का फोल्डर है वो बाद में इंश्योर हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है हमारा सर्वर, एंड अब हम चलते हैं हमारे सर्वर के अंदर एंड टेस्ट करते हैं इस स्क्रिप्ट को। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जो है 5M ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर, एंड इनके हेल्प से आप अपना 5M सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। एंड चेकआउट के टाइम यूज़ करना मेरा प्रोमो कोड, जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट, एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने सर्वर के अंदर, एंड यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मोटेल गैराजेस पे, एंड इसके बाद अब मेरे को प्रेस करना होगा ई जिससे मैं इस मेन्यू को ओपन कर पाऊँ, बट मेरे पास तो अभी कोई गाड़ी नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक गाड़ी स्पॉन कर लेता हूं एंड उसको अपने एडमिन कार कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं करता हूं कार, एंड जो व्हीकल हमारी होगी वो होगी SC3, एंड इसके बाद मैं कर लेता हूं एडमिन कार जिससे ये मेरे गैराज में सेव हो जाए। एंड अब एक बार मैं इसको स्टोर कर लेता हूं कुछ ऐसे, एंड इसके बाद जब मैं इसको ओपन करता हूं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, जहां पे आपको इसकी जो फ्यूल है, इंजन हेल्थ है एंड बॉडी हेल्थ है वो सब आपको देखने को मिलती है, आपको फ्यूल लेवल भी देखने को मिलता है। आप इसको किसी और प्लेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसके अलावा आप इसको अपने किसी और गैराज में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो कुछ यहीं से। एंड अगर आपको इसको ब्रिंग करना है तो ब्रिंग के लिए आपको बस ड्राइव करना है, एंड ये आपकी जो गाड़ी है एक स्लॉट पे आ जाएगी एंड ये ड्राइवेबल होगी। इसके बाद अगर आपको वापस से इसको स्टोर करना है तो आप इसको कुछ ऐसे ही स्टोर कर सकते हो। सो दोस्तों यही है बिल्कुल सिंपल स्क्रिप्ट, एंड आपके जो सारे लोकेशंस है वही आपको हर जगह मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कितने गैराजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो सारे हैं। अगर आपको कोई और ऐड करना है तो आप इसको कॉन्फिग फाइल से ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर वाली बात करी थी, सो वो आपको पिक्चर भी दिखा देता हूं, जो कि ये इमेज है, आप इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको इसके
कॉन्फिग फाइल में मिल जाएगा, एज वेल एज आपको बस इमेज वाले फोल्डर पे इस इमेज को ड्रॉप करना है एंड उसके बाद आप इस इमेज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो एंड अपने सर्वर को बिल्कुल बढ़िया से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको CSS वगैरह चेंज करने तो वो भी आप कर सकते हो, एकदम अपने थीम के हिसाब से सेट कर सकते हो। सो यही थी दोस्तों बिल्कुल सिंपल स्क्रिप्ट जो कि थी ड्रैग एंड ड्रॉप। एंड यहाँ पे मैं अगेन थैंक्स बोलना चाहूँगा सिंप्लीफाइड स्टूडियोज़ को जिन्होंने ये स्क्रिप्ट बनाई एंड ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करी है। इनकी आप बाकी सारी स्क्रिप्ट भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इनका भी लिंक आपको मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जहां आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का 5M सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP सर्वर है। एंड यहां पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।